नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल क्रेडिट। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे। जो लोग CSIR यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी परफेक्ट पार्टनर फॉर CSIR UGC नेट है, जिसमें कि आप कम्पीट विथ थाउजेंड्स एस्पिरेंट्स एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। मतलब कि आप क्राउड से बाहर निकल करके आ सकते हो। और इसमें जो है आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDF मिलेगा। और यहाँ पे योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर CSIR UGC नेट है, जिसमें पर्सनल कोच मिलेंगे, स्टडी प्लानर मिलेंगे, स्टडी बूस्ट सेशन होगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग होगा, और स्टडी मटेरियल होगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगा, स्ट्रक्चर कोर्सेज होगा, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा। और इसमें जो एजुकेटर होंगे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर फॉर CSIR UGC नेट होंगे। बैचेस फॉर CSIR UGC नेट स्टार्टेड ऑन एवरी मंडे, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। गेट योर सब्सक्रिप्शन नाउ। अगर आप लोग आज सब्सक्रिप्शन लेते हो और जो मेरा कोड है Career10 अगर उसको यूज करते हो तो आप लोगों को 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी CSIR UGC नेट के लिए काउंसलिंग सेशन लेकर के आया है, और ये जो काउंसलिंग सेशन है बिल्कुल फ्री है। और ये जो काउंसलिंग सेशन हो रहा है वो 11th February को हो रहा है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जो लोग इंटरेस्टेड है क्लिक करके इनरोल कर ले, और इसको अनलॉक करने के लिए जो मेरा कोड है Career10 उसको यूज करना ना भूले। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि 2021 में MCA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि MCA किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। देखो, जब हम MCA की बात करते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, और MCA का एक टाइम स्कोप इतना ज्यादा था कि आप खुद कंफ्यूज जाओगे कि इतना ज्यादा स्कोप था कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती गई डे बाई डे। जैसे MCA का क्रेज बढ़ा उसी तरह से MCA पिटा भी मार्केट में। अभी करंट टाइम में अगर हम बात करें तो MCA होता है, ऐसा नहीं है कि MCA नहीं होता है, लेकिन अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, बेस्ट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो MCA करना बेकार है। और MCA आप ऐसी जगह से करो जहां से एटलीस्ट प्लेसमेंट हो सके। MCA जैसी चीजें क्यों मार्केट में पिटी, उसका एक ही रीजन है कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग जब आया और सारी चीजें आई, डिजिटली सब कुछ होता चला गया, तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसी चीजें जो है ना वो थोड़ा सा कम हो गई। क्योंकि जो चीजें हम MCA करके जॉब पाते थे वो हम डिजिटल मार्केटिंग करके पा रहे हैं, हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स करके पा रहे हैं। अभी MCA करने पे यही हो रहा है कि अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में जाना है MCA करने के बाद, आपको प्रोग्रामर बनना है, .NET डेवलपर बनना है, या फिर PHP डेवलपर बनना है, डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, या कुछ और बनना है, डेटा साइंटिस्ट एनालिस्ट बनना है, तो आप लोगों को उस टाइप का कोर्स करना पड़ेगा। पहले जिन लोगों ने MCA किया हुआ है उनसे आप पूछोगे तो वो बताएंगे कि ऑब्वियसली MCA की मार्केट बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट डाउन होती चली गई। अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है 2021 में MCA करने के लिए, तो प्लीज करने मत आइएगा, मैं 100% सही बता रहा हूं। अगर MCA के अलावा आप कुछ और कर लें, मास्टर में MBA कर लें, या फिर MTech कर लें, कुछ और कर लें तो बेटर ही होगा। लेकिन अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो ट्रस्ट मी जरूर करिए, क्योंकि वहां से आपका प्लेसमेंट होगा और वहां से आपका करियर लंबा जाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और अगर आपने किसी गलत कॉलेज से या फिर बस टाइम पास के लिए MCA कर लिया तो प्लीज मत करिए, क्योंकि उस वैसा MCA करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये मेरा ऑनेस्ट टॉक था इस पे, क्योंकि मैं चाहता था रियलिटी आप लोग जाने। आप लोग अफवाहों पे ध्यान मत दे, बहुत सारे लोग अफवाहों पे ध्यान देते हैं, अफवाहें अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो अफवाहों पे ध्यान मत दे, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है उस पे ध्यान दे। जब रियलिटी और फैक्ट पे आप ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्यों नहीं MCA करना चाहिए। और MCA के अलावा जो मैंने कोर्सेज बताए हैं वो मार्केट में क्यों इतना हाईलाइटेड हुए, और इन कोर्सों ने ही MCA की कहीं ना कहीं वैल्यू खत्म की। जिन लोगों को MCA करना है वो लोग जाएं अच्छे कॉलेज में, पहले कॉलेज देखें कि प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है, उसके बाद ये डिसाइड करें कि उनको MCA करना है या नहीं करना है। तो करियर अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी आ गया, जो लोग टेलीग्राम पे हैं जाए करियर अड्डा चैनल को ज्वाइन करें वहां पे, क्योंकि करियर और जॉब से रिलेटेड इस तरह वीडियो आपको यहां पे मिलती रहेगी। और बस इस वीडियो में इतना ही। हो गाइस, आपको पसंद है, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।